हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और मेरे चैनल स्पाइसेस ऑफ होम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ ओरियो बिस्किट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये केक आप अपने घर पे इजीली रेडी कर सकते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक मोड ले लिया है और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और मोल्ड के अंदर डाल देंगे और चारों तरफ मोल्ड को घुमाते हुए हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से हमारा केक मोल्ड में से आसानी से बाहर आ जाता है, चिपकता नहीं है पैन में। अब यहाँ मैंने 3 ओरियो के पैकेट ले लिए हैं, ये बड़े वाले पैकेट्स हैं। अब हम एक जार में ये सारे ओरियो बिस्किट्स तोड़ के डाल देंगे। सारे बिस्किट तोड़ के डाल दिए मैंने, लेकिन मैंने 3 बिस्किट बचा लिए हैं। इसे हम बाद में गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बिस्किट को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, बिस्किट का पाउडर बना लिया है हमने, एकदम फाइन पाउडर बनाना है हमको। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, फ्लेम को हाई रखा है और उसमें 2 कप पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। हमें इस केक को स्टीम करना है। अब एक बोल ले लेंगे और जो हमने चूरा ग्राइंड किया था ना बिस्किट का, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे। ये घर की पिसी हुई चीनी है, आप घर की कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारे इंग्रेडिएंट्स डालिए। अब हमें इसमें ऑयल डालना है, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। ये राइस पैन ऑयल है, ऑयल का फ्लेवर नहीं होना चाहिए। अब मैंने 1 कप दूध ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाते जाएंगे। हमें इसका एक बैटर तैयार करना, दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा और डाल दिया है मैंने। मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। ये देखिए, हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। हमने 1 कप दूध लिया था, जिसमें से कि 1/3 दूध हमारा बच गया है, पूरा दूध यूज़ नहीं हुआ। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा मिक्स हो गया है। अब हम इस बैटर को केक टिन में डालेंगे। सारा बैटर केक टिन में डाल दिया है मैंने। अब हम इसे 3 से 4 बार इस तरह से टैप करेंगे, इससे जो भी एयर बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब पानी बॉईल हो चुका है, इसके अंदर आप कोई स्टैंड रख सकते हैं। मैं यहाँ एक कटोरी रख रही हूँ, उसके ऊपर मैंने अपना केक का मोल्ड रख दिया है। अब यहाँ हम एक प्लेट लेंगे या कोई थाली जो आपकी कढ़ाई पे फिट हो जाए। यहाँ एक किचन टावल ले लिया है, किचन टावल से मैं इस प्लेट को कवर कर रही हूँ। ऐसा करने से स्टीम से जो मॉइस्चर पैदा होता है वो ये मॉइस्चर सोख लेगा टॉवल, और हमारे केक पे पानी की बूंदें नहीं गिरेंगी, केक हमारा अच्छा बनेगा। 20 मिनट बाद हम देखेंगे, केक को चेक करेंगे। केक के अंदर हम एक चाकू या टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर वो साफ निकलेगा तो हमारा केक बन चुका है। अब हम इस केक को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। साइड से किसी चाकू से स्क्रैच कर लेंगे, एक प्लेट को ऊपर रखेंगे और फ्लिप करेंगे, मोल्ड को थोड़ा सा टैप करेंगे और धीरे धीरे केक को निकालेंगे। ये देखिए, हमारा केक आसानी से मोल्ड से बाहर आ चुका है, क्योंकि हमने केक टिन को अच्छे से ग्रीस किया था। ये देखिए, केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है। अब हम चॉकलेट सॉस से इसको गार्निश कर लेते हैं। इस चॉकलेट सॉस की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
साइड से भी चॉकलेट लगा देंगे। फ्रेंड्स ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। साइड से एक्स्ट्रा चॉकलेट हम निकाल लेते हैं। अब हमने जो 3 बिस्किट बचाए थे ना उसको ले लेंगे और उससे इसे गार्निशिंग करेंगे। हम बिस्किट को इस तरह से खोल लेंगे और साइडों में स्टिक कर देंगे, ये चॉकलेट से स्टिक हो जाएगी। हमें बिस्किट के क्रीम वाला पार्ट को अंदर की साइड रखना है, यानी जिस साइड से हम चिपका रहे हैं उधर की साइड रखना है। हर साइड पर मैंने बिस्किट लगा दिए हैं। आप चाहें तो थोड़े से बिस्किट को तोड़कर ऊपर भी गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बिस्किट को बीच में से कट कर रही हूँ और केक के ऊपर ऐसे लगा देंगे हम। हाफ बिस्किट लगा दिया मैंने और छोटे छोटे जो 2 टुकड़े टूट गए ना उनको भी हम गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने गार्निशिंग कर दी है, तो लग रहा है ना ये केक एकदम परफेक्ट चॉकलेटी केक। आप ये केक घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अब मैं आपको इस केक को कट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। कट करते हैं केक को। ये देखिए काटने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। हमारा सुपर टेस्टी सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके तैयार है। अब आप इसे अपने घर पे बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।